नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज 28 में। आइए बात करते हैं मध्य प्रदेश की कुछ खास खबरों की। श्योपुर में विशेष नमाज के बाद कुर्बानियों का सिलसिला शुरू। बोहरा समाज ने ईद उल अजहा मनाई, अल्लाह की राह में दी गई कुर्बानियां। बोहरा समाज ने रविवार को ईद उल अजहा का पर्व मनाया। सुबह ईद की विशेष नमाज के बाद अल्लाह की राह में कुर्बानियों का सिलसिला शुरू हुआ। वहीं मुस्लिम समाज सोमवार को ईद उल अजहा मनाएगा। दाऊदी बोहरा जमात के प्रवक्ता सिराज दाऊदी ने बताया कि ईद की विशेष नमाज सुबह 6 बजे श्योपुर शहर के बोहरा मस्जिद में की गई। वहीं शाम को बोहरा मस्जिद स्थित जमात खाने में सामूहिक नमाज का भी आयोजन किया जाएगा। इस मौके पर समाजजन ने एक दूसरे को बधाइयां दी। श्योपुर से संवाददाता नौशाद अहमद कुरैशी की रिपोर्ट। आज ईद-उल-अज़हा बकरीद दाऊदी बोहरा समाज द्वारा मनाई जा रही है। सुबह सूरज की पहली किरण के साथ ईद की नमाज हुई। नमाज के बाद एक दूसरे गले मिलकर सभी ने ईद की मुबारकबाद दी और बड़ी शांतिपूर्ण और भाईचारे के साथ ईद मनाई गई, खुशी के साथ मनाई गई। बच्चों, बुजुर्ग, महिलाएं सभी मस्जिद में नमाज के लिए हाजिर हुई। और आज ईद के दिन हमारे धर्मगुरु आली कदर मुफद्दल सैफुद्दीन मौला का ये फरमान रहता है कि हमेशा ईद बनाएं, खुशियों के साथ बनाएं, गरीबों की मदद करें, पड़ोसी का ख्याल रखें और किसी भी धर्म को कोई ऐसा कोई काम ना करें जिसे किसी को कोई परेशानी हो। मिलजुल कर और हमेशा सद्भावना के साथ ईद बनाएं। आज पूरे मोहल्ले को साफ सफाई कर मस्जिद में रोशनी वगैरह की गई और ईद को बड़ी खुशी के साथ मनाया जा रहा है। और ईद की इस खुशी के मौके पर मैं आप सभी को ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ।